दोस्तों मन को वश में करने की युक्ति ही योग है। महर्षि पतंजलि ने कहा भी है कि चित्तवृत्ति के निरोध से ही योग की उत्पत्ति होती है और इसी की प्राप्ति ही योग का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों गीता में भगवान कृष्ण ने योग की महत्ता बतलाते हुए कहा है कि यद्यपि मन चंचल है फिर भी योगाभ्यास तथा उसके द्वारा उत्पन्न वैराग्य द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। व्यावहारिक रूप से योग का तात्पर्य जोड़ना या बांधना होता है। जिस प्रकार घोड़े को एक स्थान पर बांधकर उसकी चपलता को नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार योग द्वारा मन को सीमित किया जा सकता है, विस्तार पाकर मन आत्मा को आच्छादित न कर ले। इसलिए योग की सहायता आवश्यक भी हो जाती है। भक्ति योग और राजयोग से ऊपर उठाकर त्रिकाल योग के दर्शन होते हैं और यही सर्वश्रेष्ठ योग है। दोस्तों इन्हीं तीनों योगों का व्यावहारिक समीकरण कर्म योग है और आज के संघर्षमय युग में कर्मयोग ही सबसे पुण्य साधना है। संसार और उसकी यथार्थता ही कर्मयोगी का कार्य क्षेत्र है। फल के प्रति उदासीन रहकर कर्म के प्रति जागरूक होकर ही मनुष्य क्रमशः मन पर विजय पाता है और परमात्मा से अपना संबंध सुदृढ़ करता है। दोस्तों कर्मयोग की प्रेरणा किसी कर्मयोगी के जीवन को आदर्श मानकर ही प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य के प्रति तल्लीनता तथा विसर्जनीय भावनाओं के प्रति निराशक्ति ही कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। कर्मयोगी के जीवन में निराशा अथवा असफलता के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि एक तो वह इनकी सत्ता ही स्वीकार नहीं करता और दूसरे उसकी दृष्टि कर्म से उठकर परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ तक कि सच्चा कर्मयोगी परमात्मा की प्राप्ति के प्रति भी बीतराग हो जाता है। दोस्तों इस पार्थिव शरीर को जगत के लिए उपयोगी बनाने और उसके उपरांत मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र का साधन योग है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।